सनातन धर्म में पितृपक्ष का बड़ा अधिक महत्व माना जाता है। हिंदू पंचांग के मुताबिक भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष की शुरुआत होती है और इसका समापन आश्विन माह के अमावस्या तिथि को होता है। इस साल पितृपक्ष की शुरुआत 29 सितंबर से शुरू हो रही है जो 14 अक्टूबर को समाप्त होगा। धार्मिक मान्यता के मुताबिक पितृपक्ष के दौरान पितरों के निमित्त पिंडदान तर्पण अथवा श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। मान्यता के मुताबिक पितृपक्ष में पितृ धरती पर आकर आशीर्वाद भी लेते हैं। इतना ही नहीं, पितृपक्ष के दौरान 5 अंश का भोजन भी निकाला जाता है। आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि पितृपक्ष में क्यों निकाला जाता है भोजन का 5 अंश। जी देखिए, पितृपक्ष में जो विधान है, पितृपक्ष में पंचबलि के नाम से जाना जाता है। 5 जीवों को के नाम से जो पितरों का जो भोजन है वो 5 जीवों को दिया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से गाय है, कुत्ता है, कौवा है, चींटी है, और देवताओं के निमित्त भी भोजन निकाला जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि जैसे हम पंच तत्वों के निमित्त जो हमारा शरीर है ये 5 तत्वों से मिल करके बना है, तो इसलिए हम आभार व्यक्त करते हैं पितरों को भोजन निकाल करके, और पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए 5 जीवों को भोजन दिया जाता है। इसमें मान्यता है, कैसी भोजन ये रहता है, कैसा भोजन है पितरों के निमित्त? जैसे हम साधारण भोजन तो घर में प्रतिदिन खाते ही हैं, चावल दाल रोटी सब्जी, लेकिन पितरों को कुछ विशेष पसंद है। जैसे हमारे पितर हैं, उनको कुछ विशेष पसंद था, जैसे उसमें सब्जी की तरह तरह की सब्जियां हैं, जो भी विशेष रूप से व्यंजन होते हैं, जैसे कभी पूरी पराठे अधिकतर लोग पसंद करते थे हमारे पितर, उनके निमित्त तरह तरह के व्यंजन, दही बड़े वगैरह इस तरीके से निकाले जाते हैं।